माघी का त्यौहार जिथे मुक्तसर साहिब की धरती से संगत वालों श्रद्धा नाल मनाया गया उथे ही माघी की संगरांद के मौके पर वड्डी गिनती संगत श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक हुई और अकाल पुरख के चरणों में हाजिरी भरी। माघी के पवित्र मौके पर संगत ने सरोवर में इशनान भी किया। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने आख्या कि पंथ अपने शहीदों को हमेशा याद रखे और चढ़दी कला च रहे। सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे माघी के मौके पर आई संगत ने आख्या कि उन्होंने चढ़दी कला सुख शांति की अरदास की है। 21 वैसाख का जिहड़ा असली दिन है वह भी बड़ी श्रद्धा उत्साह नाल श्री दरबार साहब श्री मुक्तसर साहब विखे मनाया जाता है। आओ असीं अपने शहीदों नूं याद करिए, शहीदों नूं नतमस्तक होइए। अज असीं शहीदी दिहाड़ा उन्हां महान सिंघां दा जिन्हां ने युद्ध विच कुरबानियां कीतियां, शहीदियां दित्तियां, मुक्तियां दे महाराज तों खिताब बख्शिशां हासिल कीतियां। उन्हां दा जी मैं सारी जिहड़ी तुहाडी फास्ट वे दी संगत हैगी सारिआं नूं इक वार गज के फतेह बुलाना चाहुंदा। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। अज जिहड़ा अपना इतिहास हैगा जी माघी दा मुक्तसर दा मेला जिहड़ा हैगा, अज दे दिन गुरु गोबिंद सिंह जी जिहड़े 40 सिख सीगे जिहड़े मतलब कि चमकौर साहिब दी जंग दे विच उन्हां दा साथ छड्ड गए सीगे, ते माता हरशरण कौर जी ने उन्हां नूं मतलब कि इतिहास तो जाणू करवाते हुए उन्हां नूं राहे पाया ते उन्हां नूं इह दस्या गया कि गुरु गोबिंद सिंह जी का साथ देण। गुरु गोबिंद सिंह जी कलगी वाले पिता परमेश्वर, सारयां दे पिता परमेश्वर ने, सारयां दे अंग संग हो के हक सच की लड़ाई लड़ते हैं, तां करके उन्हां सिखां ने गुरु जी का साथ दिता ते मुक्तसर की धरती के उत्ते जाके जिहड़ा उन्हां ने चमकौर साहिब जी जंग दे विच बेदावा लिखिया सीगा वो गुरु जी को बेनती की कि बे गुरु जी असी तुहाडे पुत्र हाँ, सानू जिहड़ियां गलतियां साडे तो हुई ने असी उन्हां दी भुल्लां चुक्कां मंगदे हाँ, तुहाडे तो माफ़ियां मंगदे हाँ, तो कृपा करो साडा वो लिखिया होया बेदावा अज फड़न की कृपालता करो। तो उन्होंने उस धरती ते जाके मुक्तसर की धरती ते जाके गुरु जी द्वारा लिखिया होया वो बेदावा गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने हत्थों उन्होंने फाड़ के तो उन्होंने अपने 40 सिंघां नूं अपने गल नाल लाया तो वह बेदावा फाड़ के तो इस इतिहास में सिरजिया। अज आपां जिहड़ी आपां गुरु घर विच आए हाँ, मैं चंडीगढ़ तो आप इत्थे नतमस्तक होण आया गुरु घर दे विच। अज जिहड़ा इत्थे हैगा बहुत उत्साह है जी, बहुत भारी भीड़ इत्थे गुरु संगत की आई हुई है दर्शन करदे। आपां सारे यही अरदास करदे हाँ कि जिहड़ी इह करोना की बीमारी इस संसार नूं लगी है, गुरु रामदास जी अपनी कृपा करन इह बीमारी जड़ों खत्म होवे। माघी दा ते बहुत रौनक जी, इत्थे बहुत वधिया माहौल है ते बहुत संगत है जी, इत्थे अंदर मत्था टेकन बहुत वधिया लगा, मत्था वधिया टेकया गया जी, ते संगतां दा भरपूर रश है जी, ते वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। सारयां दा चढ़दी कला रखे, सारी संगत नूं मेहर करे, मेहर भद रखे बाबा नानक गुरु रामदास जी सब दा भला करे। दस के माघी दा तिहाड़ा थोड़ा खास वधा मनाया जांदा है क्योंकि उत्थे 40 मुक्तियां दी मुक्ति होई सी बाबा जी दे मुक्तसर दे। अज असी ये अरदास बेनती सारे परिवार वास्ते की, सारे संसार वास्ते की है भी सारे वास्ते करोना खत्म होवे, शांति आवे, सारे सुखी शांति ओटा भी निबड़ जान, चढ़दी कला च सिख भी चढ़दी कला च रहन। माघी दे दिहाड़े ते श्री मुक्तसर साहब की धरती ते जिथे जोड़ मेला मनाया गया उत्थे अज सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे भी लखां दी गिनती च संगत नतमस्तक होई। माघी दा दिहाड़ा मनाया, पवित्र सरोवर स्नान किया, संगत दा आखना सी कि अज दे पवित्र दिहाड़े ते अज माघ दी संगरांद ते इहो अरदास बेनती है कि हर घर खुशियां होण, हर जी चढ़दी कला च रहे ते करोना दी जिहड़ी बीमारी आ उहदा जल्द तों जल्द नाश होवे। कैमरा मैन राकेश कुमार, संदीप साल, फर्स्ट न्यूज़ अमृतसर।